नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। दमोह के बटियागढ़ की ग्राम पंचायत बेलखेड़ी में अमृत सरोवर में बंदर बांध। खबर मध्य प्रदेश के दमोह के विकासखंड बटियागढ़ की ग्राम पंचायत बेलखेड़ी में अमृत सरोवर के निर्माण कार्य की राशि का किया गया बंदर बांध। केंद्र की मोदी और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गांव में लाखों रुपए खर्च कर अमृत सरोवरों का निर्माण करवा रही है। दरअसल इस प्रोजेक्ट को प्रदेश सरकार अपने ग्रीन प्रोजेक्ट में शामिल कर चुकी है। इसके तहत तेजी से ग्राम पंचायतों में एक अमृत सरोवर का निर्माण लाखों रुपए खर्च कर किया जा रहा है। हालांकि भ्रष्टाचारियों ने सरकार के इस ग्रीन प्रोजेक्ट में सेंध लगा दी है। विकासखंड बटियागढ़ की ग्राम पंचायत बेलखेड़ी में पथरुआ गौशाला के समीप दक्षिण में अमृत सरोवर का निर्माण कराए बिना लाखों रुपए निकालने का मामला सामने आया है। बेलखेड़ी सरपंच ने ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों और तकनीकी सहायक के साथ मिलकर फर्जी तरीके से बिल तैयार कर लाखों रुपए का भुगतान सरोवर निर्माण के नाम पर करा लिया, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इस संबंध में जब ग्राम पंचायत सरपंच से बात दूरभाष से बात की गई तो उन्होंने 3 लाख का भुगतान होना स्वीकार किया। संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों से इस संबंध में जब विकास खंड अधिकारियों से दूरभाष से संपर्क करना चाहा तो उन्होंने फोन ही रिसीव नहीं किया। हालांकि भ्रष्टाचारियों ने सरकार के इस ग्रीन प्रोजेक्ट में सेंध लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 3 लाख का भुगतान होने पर जब अमृत सरोवर का हाल देखा गया तो वह काफी बेहाल दिखा। इस संबंध में जब जिला स्तरीय उच्च अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाए तो भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। आरएएस कार्यपालन यंत्री बीएस यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यदि ऐसा हुआ है तो इसमें लिप्त अधिकारी कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई कराई जाएगी। आइए जानते हैं बीएस यादव मुख्य कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी दमोह क्या कहा। संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। आपके बात के अनुसार बेलखेड़ी तालाब की निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत है मेरी जानकारी के अनुसार, और बिना काम के अगर राशि आहरित की गई है तो इस संबंध में सीओ जनपद पंचायत से प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे, और अगर बिना इंजीनियर ने बिना मूल्यांकन की राशि आहरित कराई है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई काम ना हो और पैसा निकल जाए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम के बाद ही मनरेगा योजना में काम के बाद ही उसका मूल्यांकन सबनियर और सहायक अंति के सत्यापन होने के बाद जीआरएस बराबर सबकी जवाबदारी है, सम्मिलित जवाबदारी है, और सही काम कराने के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो बेलखेड़ी के लिए देखते हैं।